रोड का रास्ता ऊपर बीच में को। ज्यादा देखने का। यहाँ सागर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मस्त धूप आज भी आ गई है, रोज ही मस्त धूप आ रही है गाइस। और मैं हमेशा की तरह भारी खड़ा हूँ, बता नानी बुला रही तो मैं मेरे हाँ मुझे, मैं क्या करूँगा तेरी नानी के वहाँ? अरे बताऊँ रानी से पूछ, कहा क्यों बुला रही है मेरे को? जा जाना, पहले पूछ के तो आ, कहीं क्यों डर लग रही, धूप आ रही है, जा जा, हाथ मत पकड़ मेरा, जा तू टोपा ना लगाए आज, हट, मैं नहीं जा रहा हूँ। उठाएंगा इस, लेकिन काले लगेगा ना, मैं तो अभी उठाऊंगा ही। जाओगे तो तो गाइस, मैंने आपको सब चीज तो दिखा दी, लेकिन अपना गांव दिखाना भूल गया। बात तो सही है। और ये मेरे साथ है, अपना गांव दिखाता हूँ। अच्छा तो है नहीं वैसे, ठीक ठाक है। ये है गाइस हमारा रास्ता ऊपर जाने का। पहले गाइस हम यहाँ खड़े होते थे बचपन में, बचपन में नहीं मतलब 2-4 साल पहले ही। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी भी अब नहीं होते हैं। अब छोड़ दिया वाला टाइम। और यही है घर, अगल बगल सारे घर हैं। ये घर दिखा दे यार, बदनाम वाला घर दिखाना। कौन सा बदनाम वाला? यही तो बदनाम होते थे ये हम। है, अरे एक गाय यहाँ पे लगे थे। ये गाइस तालाब है मच्छी का यहाँ पे। और ये है जी जहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे ये बचपन वाला में। खेत, ये वाला खेत में गाइस क्रिकेट खेला करते थे हम। सामने है ढगवाल का घर। ये आसपास घर ही घर हैं, मतलब ज्यादा घर नहीं है, बहुत ही कम है। और वहां सामने ट्यूबवेल है। अरे ये गाइस आगे को जाते हैं, और उधर को पूरा जंगल है, यहाँ भी पूरा जंगल है आसपास। और यह है जय श्री राम का झंडा। बहुत ही कम घर है गाइस हमारे गांव में। इतने छोटे में खेला करते थे बताया। गाइस यही था हमारा छोटा मोटा गांव। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो गाइस चलते हम घूमने। अब घूमने जा रहे हैं पैदल पैदल, काला क्या करें, टूटता है। व्लॉग बनाना जरूरी है ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ब्लॉग के लिए तो घूमना ही पड़ता है गाइस, रोज रोज घर की चीज तो दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए रोज आवारा की तरह घूमते रहता हूँ। और इसको भी घुमाता हूँ साथ में, क्या करें ब्लॉग भाई, तब भी ब्लॉग फेमस नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। जिंदगी निभानी पड़ेगी यार थोड़ी बड़ी। तो तेरे को हराम ही समझता था तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। बात तो ठीक है। और यह है गाइस हमारे वहाँ का चौराहा, ये हल्द्वानी को जाती है, ये गांव को जाती है, और ये हमारे गांव को जाती है, और ये काराडूंगी को जाती है। अच्छा ठीक है। और हमको इधर को जाना है। तो गाइस हम काराडूंगी आए थे, और आशीष से मिल गए हम। आशीष भाई यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, हम तो करके आ रहे हैं। और गाइस देखो आशीष यहाँ पे पढ़ रहा है, खाओ माँ कसम, अपना टाइम टेबल बना रखा है, और स्कूल कॉलेज में कहता है नहीं पढ़ना हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का। वो गाइस कैसे फॉर्मूले लिख रखे हैं इनने, टाइम टेबल तो दिखा दे भाई का। इस बार मारेगा ही टॉप गाइस। तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला? ये देखो इसका रूम, टाइम टेबल और टाइम टेबल देखो गाइस इसका। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। बाप रे, वाह, ओ माय गॉड। गैस की रोशनी बढ़ रही है यार लोगों। आशीष भाई हेलो बोल दो। आशीष भाई चले गाइस बाहर को, पानी गर्म करा। और सीढ़ी कैसी है? एकदम खंडर जैसी गाइस, जल्दी देखो भाई इतनी बड़ी गैलरी ऐसी है। रेंट पे रहता है गाइस ये, बहुत अमीर है घर का। तो क्या नाचो भाई? गाइस ये खड़ी से साइकिल कम रहा है, ये मेरी माई बुलेट साइकिल चलाता है गाइस ये। अभी दिख गई रोशनी। तो गाइस जा रहे हैं हम, जैसे ही घूमते हैं मार्केट। देखो और जोड़ना है, वो जोड़ना है। ये एक और जुड़ गया हमारे साथ आशीष भाई, आपने इनको देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में पहले। गाइस घूमते घूमते हम आ गए हैं नैनीताल रोड। असंभव असंभव
असंभव। नो जाने अलर्ट भी से वैसे हम काल दिन तक बाइक में आए हैं। झूठ बोल रहा है। नो 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 आई एम ना झूठ बोल रोड का रास्ता ऊपर को यहाँ सागर ग्राउंड बनाया था पता तोड़ने का है यहाँ ग्राउंड इतना छोटा है। तो गाइस यहाँ तक आए थे हम अब जा रहे हैं वापस वापस चलते हैं गाइस। बहुत घूम लिया आज अब घूम घर में जाने में भी टाइम लगेगा और आशीष को तो क्या 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 मिल चुका है हमको। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया हमने घर में ना रह के यहाँ पे घूम रहा है मत कर और। तो गाइस घूम घाम के पहुँच गए हम आशीष भाई के घर के वहाँ पे तो ये जा रहे हैं अपने रूम पे और हम चलते हैं नीचे को। हेलो बाय 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 आशीष भाई कल मिलते हैं आशीष भाई फिर अब बाय। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं अपने घर के वहाँ पे गाइस निकलते हैं घर को अपने खाना वाना खाते हैं ये जा रहे हैं अपने घर को और मिलते हैं शाम के टाइम में शाम को मिलते हैं। गाइस मस्त खाना वाना खा लिया है मैंने बाहर धूप सेकने आया था और दोस्त का फोन आ गया तो अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं हम रोड पे आ रहा है वो चलते हैं नीचे को। गाइस आ गया है खाना खा के अब नीचे को जा रहे हैं हम अपनी पैदल यात्रा पे। कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये बहुत खुश होता है पैदल यात्रा में जाके कहने गाइस यार पैसे नहीं मिला तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे पैदल ही जाना पड़ता है फिर। तो गाइस घूमने उमने तो गए नहीं आज क्योंकि गाइस बैठे पड़े हैं आराम से यहाँ पर क्योंकि सुबह चले गए थे इनने एक दो थामले बनाए अपने और इसका शर्म आ रही थी पता नहीं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जनेऊ हो रहा था किसी का लेकिन मैंने कहा इससे शर्म वरम कुछ नहीं करना चाहिए काम में तब इनने बना दिए और हम यहाँ पे आके बैठे हैं। शर्म काम है गाइस कभी भी करो कभी मत करो। तो गाइस शर्म की क्या बात इसमें काम करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो। अच्छा क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात सही कर रहे यार तुम यार बात तो ठीक है। तो गाइस घूम घाम के तो आ गए थोड़ा बैठे थे वहाँ पे काम वाम कर लिया इसका ये घर को जाता है मैं भी घर को जाता हूँ बाय बाय। तो गाइस घर तो पहुँच गया हूँ मैं और मेरी बहन आ गई है ट्यूशन से मतलब स्कूल से आ गई है तो कैसा गया पेपर आज बहुत ज्यादा अच्छा गया आज मैंने सारे क्वेश्चन करे थे। अच्छा हमको सारे क्वेश्चन करे गाइस इसने आज हिंदी में मैं पक्का टॉप करूंगी मुझे यकीन लग रहा है अपने ऐसा मैंने मुझसे ज्यादा नहीं ला पाई गाइस फिर भी मेरे 93 थे पर अच्छा आएंगे इतना यकीन है 60 तक तो आ ही जाएंगे। तो गाइस हो गई है रात और मैंने खाना भी खा लिया है सबने खाना खा लिया है और सब टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ आ गया हूँ ब्लॉग बनाने तो एडिटिंग करते हैं हम तो इस ब्लॉग के यहीं पर ही एंड करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो कमेंट करो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड नाइट बाय बाय।